बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एफएम मोबाइल रिपेयरिंग। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए व्हाट्सएप की बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार ट्रिक लेकर हाजिर हुए हैं, जिसकी मदद से आप को अगर कोई बंदा व्हाट्सएप पे कोई पिक्चर, वॉइस मैसेज या चैट सेंड करता है और साथ ही डिलीट भी कर देता है, लेकिन आपने अभी तक मैसेज देखा नहीं होता, कोई पिक्चर देखी नहीं होती, उसके पहले ही वो बंदा डिलीट कर देता है, आप उसको पढ़ नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से अगर कोई बंदा इस तरह आपको सेंड करके कोई मैसेज, चैट या वॉइस मैसेज सेंड करके डिलीट कर देता है, तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे दोबारा पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मुकम्मल आपको इस पर गाइड करेंगे, मुकम्मल आपको ट्रिक समझाएंगे, सेटिंग बता देंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी, ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके आल को दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये कुछ परमिशन मांगेगा आपसे, उसको आपने अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद इसमें कुछ सेटिंग्स आपने करनी है, ताकि आपके कोई भी बंदा आपको मैसेज सेंड करने के बाद अगर वो डिलीट कर देता है, तो आप उसको दोबारा कैसे रिकवर कर सकते हैं। ये कुछ सेटिंग्स इसमें ऑन करनी है आपने। ऑन करने के बाद ये वो, और इसके अलावा आपने इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी, बस इसको परमिशन देनी है, ताकि ये एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर वर्क कर सके। अभी कोई भी बंदा आपको कोई चैट सेंड करेगा, कोई भी पिक्चर सेंड करेगा या कोई वॉइस मैसेज सेंड करेगा, सेंड करने के बाद उसको डिलीट कर देता है, डिलीट कर देता है, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाते उसने क्या सेंड किया है, उसने कौन सी पिक्चर भेजी है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। अभी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद कोई भी बंदा आपको वॉइस मैसेज सेंड करेगा, कोई पिक्चर सेंड करेगा, कोई भी और चीज़ सेंड करेगा, उसके बाद डिलीट कर देगा, लेकिन उसकी तरफ से डिलीट तो हो जाएगी, आपके पास वो सेव हो जाएगी, ये कोई इधर से आपकी तरफ से डिलीट नहीं कर सकेगा। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है। ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है, इसी ऐप की, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ये ऐप आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।